तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जन जन की आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए जीएन भारत की टीम रांची के पिस्का मोड़ बैंक कॉलोनी में पहुंची है, जहां पर आज रक्तदान महादान शिविर का आयोजन किया गया है और ये गुरु नानक सेवक जत्था द्वारा आयोजन किया गया है। आप हमारे विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि लोग रक्तदान कर रहे हैं और आप भी रक्तदान कर सकते हैं, क्योंकि रक्तदान करने में कोई पैसा नहीं लगता है, बस आपका दिल और मन होना चाहिए रक्तदान करने के लिए और ये किसी के जीवन को बचा सकता है। और आपका दिल है तो आप किसी के दिल में रक्तदान करके जगह बना सकते हैं। वहीं आइए हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि ये शिविर का आयोजन आप ही लोगों ने किया और कब कब करते हैं। देखिए, ये स्टाफ बैंक कॉलोनी संचालन समिति गुरु नानक सेवक जत्था रातूर गुरुद्वारा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया बैंक कॉलोनी पिस्का मोड़ में रांची। ये जो रक्तदान शिविर है हम लोग 2013 से कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य है हर ज़रूरतमंद को रक्त मिले, रक्त की कमी से किसी की जान ना जाए। कोविड काल में भी हम लोगों ने जितना बन पाया उतना रक्तदान शिविर का आयोजन किया, प्लाज्मा डोनेट करवाया लोगों से, और सभी से ये अपील करते हैं कि समय समय पर रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान जो है वो महादान है। रक्त जो है हमारा शरीर ही बना सकता है, ये ना ही कोई फैक्ट्री में बन सकता है ना ही इसे कोई बना सकता है। तो हम यही सभी से अपील करेंगे कि आप समय समय पर हर 3 महीने में रक्तदान करें और लोगों को जागरूक भी करें, लोगों को जागरूक करें। जैसे हमारा 18 साल होता है तो हम लोग लाइसेंस बनाने के लिए होड़ करते हैं कि चलो लाइसेंस बनाएंगे, आधार कार्ड बनाएंगे, चाहे और भी कुछ जो सरकारी नियम है 18 साल के बाद वो हम करते हैं। तो ये भी एक होना चाहिए कि 18 साल के बाद हम लोग रक्तदान करेंगे और लोगों को जागरूक भी करेंगे, खुद भी करेंगे और लोगों से करवाएंगे भी। बस यही मेरा कहना है कि सभी करें और 3 महीने में करें और लोगों को जागरूक करें। अपना परिचय। सूरज झंडी, गुरु नानक सेवक जत्था, मेट्रो गली रातू रोड, रांची। आइए हम उन से बात करेंगे जो आज ब्लड डोनेट करने के लिए बैठ चुके हैं। जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये एक तरह का कर्म है जिसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। आइए इनसे बात करेंगे, आपने ब्लड डोनेट कर लिया, आपको कैसा महसूस? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, किसी के जीवन को बचाने के लिए कर रहे हैं। हाँ जी। आइए उन डॉक्टर्स से भी बात करते हैं जो ध्यान रखते हैं कि ब्लड डोनेट कर रहे हैं, कहीं इन्हें वीकनेस ना आ जाए या फिर कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। आप रक्तदान कर रहे हैं, जो उनको देख रहे हैं, कहीं उनमें कमजोरी तो नहीं आ रही है ना? नहीं नहीं, रक्तदान करने से कभी कमजोरी नहीं होती है। पर कहते हैं कि जिनका हीमोग्लोबिन कम होता है उसके बाद भी शायद वो ब्लड डोनेट करते हैं, और कुछ होते हैं जो आधार कार्ड आपको दिखाते हैं उसमें 18 साल होता है पर वो 18 के नहीं होते, उसके बावजूद भी वो ब्लड डोनेट करते हैं। नहीं नहीं, ये देखिए, कुछ जो है कि डोनर को बताना पड़ता है, डोनर के ऊपर रहता है। कुछ जो मैंडेटरी जांच होता है वो हम लोग करते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन, हम लोग हीमोग्लोबिन टेस्ट करेंगे, जिसका 12.5 से ऊपर रहेगा उसी को लेते हैं, 12.5 से कम रहेगा उसको हम लोग नहीं लेते हैं। ब्लड डोनेशन का एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है। उसके बाद है कि उसका वज़न कम से कम 45 एवं होना चाहिए, एज लिमिट है, एज कम से कम 18 से जितना 18-65 तक आप रेगुलर डोनेशन कर सकते हैं। ब्लड देने से बहुत सारे फ़ायदा है, आप का एनर्जी लेवल बना हुआ रहता है, बीपी शुगर या बहुत सी ऐसे बीमारी है जो आपको ब्लड कैंसर, शुगर, हार्ट ये सब नहीं होती है। मैं राजेंद्र कुमार, लैब टेक्नीशियन हूँ। तो जैसा कि आपने हमारे विजुअल के माध्यम से देखा कि काफ़ी लोग हैं जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, और हमने आपको काफ़ी लोगों से, डॉक्टर से और जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनसे भी बात करवाया, और कहते हैं कि रक्तदान करना धर्म का काम होता है, ये सच्चा काम होता है, आप भी रक्तदान करके देखें, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। जीएन भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।